नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गया है। बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार प्रदेश के महामंत्री सुशील चौधरी ने देश में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा, हमारी पार्टी और बिहार की जनता आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। और भी कई मुद्दों पर बीजेपी के महामंत्री सुशील चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजीव राय ने। बीजेपी के बिहार प्रदेश के महामंत्री सुशील चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2019 का मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव के समर में उतरे, ऐसे में बिहार की धरोहर काफी कुछ कहेगी। हम उनसे ही बात करते हैं कि 2019 के मिशन के लिए किस तरह की तैयारी है, संगठन किस तरह से तैयार है और आगे किस तरह की रणनीति तय की गई है। चौधरी जी, सबसे पहला सवाल, बीजेपी 2019 का जो मिशन है, प्रधानमंत्री मोदी का फोकस बिहार पे, बिहार से शुरुआत और बिहार में किस तरह की तैयारी बीजेपी की है? लाखों लोगों को लाभान्वित उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से, हर गांव हर घर बिजली के माध्यम से, आयुष्मान भारत जिसमें लगभग 1,08,00,000 परिवार लाभान्वित होने वाले। ये ठीक है, ये आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपने उज्ज्वला योजना की बात की, आपने आयुष्मान भारत की बात की जिसकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार कई ऐसी योजनाएं चल रही, चाहे वो कौशल विकास की बात करें, मुद्रा योजना की, सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आप जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के जो की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आगे करने की बात कही जा रही, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी तक कह सकते हैं कि कुछ तय नहीं हो पाया, क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है? हमारे गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, पूरा सौहार्द का वातावरण है, कहीं कोई सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहा गया था कि अमित शाह का दौरा हुआ था, उसके बाद कहा गया था कि अमित शाह फिर से आएंगे और सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जिस तरह से आपके जो सहयोगी दल है, चाहे वो रालोसपा की बात करें, लोजपा की बात करें, तो रालोसपा की अगर बात करें तो बीच में ये बिखराव भी आया, जिस तरह से बातें आने लगी उपेंद्र कुशवाहा राजद में जा सकते हैं, क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर लोजपा और रालोसपा दोनों सहयोगी आपसे खुश हैं या फिर रालोसपा कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है अभी भी? हमारी समझ में किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और जो भी मुद्दे हैं मिल बैठकर सभी, हमारा जो गठबंधन है उसका नेतृत्व मिल बैठकर सभी मुद्दों पर आपसी सहमति के आधार पर मुद्दे तय किए जाएंगे। तो लगातार हम चौधरी से बात कर रहे हैं, महामंत्री हैं, संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो मिशन है 2019 का मिशन, उसमें कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी उतना ही लामबंद हो रहा है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा है, लालू प्रसाद यादव की बात करें, मायावती की बात करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बात करें या उनके पिता मुलायम सिंह की बात करें, तमाम ये लोग कहीं ना कहीं कुनबा चाह रहा है कि किस तरह से मोदी को शिकस्त दिया जाए। आप लगातार कह रहे हैं हमने विकास किया, क्या लगता है जनता विकास बनाम मोदी या विकास बनाम विपक्ष? बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर भी सवाल उठे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक महामंत्री, एक संगठन के नाते एक पर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है एक्सेप्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, वो और उन जो उनका अटैक है, उनकी जो आलोचना है वो व्यक्तिगत आधार पर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। और जब विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं होता है तो वो व्यक्तिगत आलोचना पर उतर रहे हैं। और हमने जो काम किया है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जनता हम लोगों के गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास फिर से प्रकट करने वाली है। अच्छा, एक सवाल उठता है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार नीतीश कुमार आवाज़ उठाते रहे हैं, कई बार उन्होंने कहा, क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा, कई टैक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो बाहर की कंपनियां हैं वो लग सकती हैं, आपको लगता नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि चुनावी समर है और चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक बड़ा फायदा भी आपको मिल सकता है? विशेष राज्य का दर्जा का अंतिम उद्देश्य बिहार का विकास करना, और इस
स्तर पर भी प्रधानमंत्री का जी का जो 60,000 करोड़ का पैकेज था वह इसी बिहार राज्य के विकास के तरफ से ये बहुत बड़ा कदम था, सराहनीय कदम था। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो उन्होंने 60,000 करोड़ का जो पैकेज बिहार राज्य को दिया उससे बिहार का विकास निश्चित नई ऊंचाइयों को छू। लगातार हम चर्चा कर रहे थे और कई विषयों को हमने उठाया कि क्या 2019 के मिशन के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार तत्पर थे और लगातार ये कह रहे थे कि विकास बनाम ये देश होगा, सवाल ये उठता है कि अंतिम निर्णय जनता को तय करना है और जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है क्योंकि विकास ही मुख्य लक्ष्य है और विकास के नाम पर ही जनता वोट भी करती है।